अभी रिसेंटली पंजाब कॉलेज में एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का रेप होता है जो और कहा ही जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड और वैन ड्राइवर इन्वॉल्व थे इसमें। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाऊंगा कि कैसे हुआ या क्या हुआ क्योंकि इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज होती जा रही है क्योंकि ये रनिंग टॉपिक है। लेकिन रेप यार डेफिनेटली हुआ है क्योंकि इतने सारे लोग जो स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जलाओ गिराओ हो रहे हैं, हर चीज हो रही, तो ये क्या एक प्लेट बिरयानी के लिए कर रहे हैं इनको? मतलब क्या बिरयानी ऑफर की गई थी आप ये सब हल्ला मचाएं, इस तरह का क्या कहते हैं फॉल्स प्रोपेगेंडा करें तो आपको एक प्लेट बिरयानी देंगे? ऑब्वियसली यार द रेप हैज हैपेंड। एक समझदार आदमी डेफिनेटली ये बात समझेगा क्योंकि जो हमारी दूसरी साइड है कॉलेज वाली साइड गए हैं, गवर्नमेंट की साइड गए हैं, वो इसको फुल जो है कंसील करने में लगी हुई है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा। और क्यों ना करे यार, उनका जाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है उनके पास। अगर आपको पता हो कि पंजाब कॉलेज जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओन करता है, मतलब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस कॉलेज का ओनर है, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है इट्स द बिगेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क इन पाकिस्तान। 450 के करीब कॉलेजेस इनके और 1000+ इनके स्कूल्स हैं। अब जाहिर है एक रेपो बनी हुई है और पंजाब कॉलेज के जो ओनर हैं उनका नाम है मियां आमिर महमूद, और ये जो है जाहिर है बहुत बड़े बिग शॉट हैं, दुनिया न्यूज को भी ओन करते हैं, और ये जो कॉलेज है पंजाब कॉलेज इन्होंने 1985 में बनाया था। अब जाहिर है भाई एक लड़की की रेप किया जान की वैल्यू इनके कॉलेज के आगे क्या है? इतने साल हो गए, 40 साल की रेपो है उस कॉलेज की, वो तो नहीं जानी चाहिए ना। तो रेप अगर वहाँ हो गया तो भाई होता है, हमें तो बचाना है, कॉलेज की रेपो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यार अगर ये वाकई कल्प्रिट्स को पकड़ के सामने लाते और जस्टिस होता अगर, तो इनके कॉलेज की रेपो डबल ट्रिपल ऊपर हो जाती, क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि अगर आप ऐसी चीजें कंसील कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी आप लोगों को ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई तुम मजीद यहाँ पे इस तरह की हरकतें करो, रेप करो, क्योंकि हम तुमको बचा लेंगे अपनी कॉलेज की रेपो बचाने के चक्कर में, विच इज अगेन अ वेरी सैड रियलिटी। और ये जो है पंजाब गवर्नमेंट का भी आपको पता है, कुछ टाइम पहले जो है वो सारे यूट्यूबर्स को पैसे दे रही थी कैंपेन चलाने के, आप हमारी तारीफ वगैरह करें। यार इस तरह अगर आप क्रिमिनल्स को पकड़ के अगर जस्टिस दिलवा देते उस लड़की को और कहते हैं कि भाई वाकई हुआ है, दीज आर द क्रिमिनल्स, उनको कोर्ट के हिसाब से लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी, तो आपकी रेपो वैसी डबल ट्रिपल ऊपर चली जाती है, आपको यूट्यूबर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आप नेचुरली कोई अच्छा काम करते हैं तो आम की नजरों में आपकी रेपो वैसी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। अब इस इवेंट को कंसील करने के लिए या कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने इस्तेमाल किया है एएसपी शेरबानो नकवी का। अगर आपको याद हो ये वही एएसपी हैं जो लाहौर के अनारकली बाजार में एक लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ था, जो उसने अरबी कपड़े पहन लिए थे, मतलब कपड़ों पे अरबी लिखी हुई थी और लोग उसको मारने तक आ गए थे, तो इन्होंने उस लड़की को सेफली एस्कॉर्ट किया था बाहर। तो जाहिर इनकी एक रेपो बनी हुई थी। अब उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छी ऑफिसर कौन हो सकती है जो इस केस को रफा दफा करके खत्म करो, बोले भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब फॉल्स प्रोपेगेंडा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरव्यू ले लिया, दो बंदों को लेके आ गए जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, और कहा कि भाई जिस लड़की की बात हो रही है जिसका रेप हुआ, ये उसके वालिद और उनके चचा, और वो लोग डेफिनेटली पेड एक्टर लग रहे थे यार, शक्ल से ही लग रहे थे पेड एक्टर। उन्होंने कह दिया कि जी वो सीढ़ियों से गिर गई थी या फर्श पे गिर गई थी, उसका स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया था, इंजर हो गया था, और तो इसलिए वो आईसीयू में। मतलब वाकई लगता है आवाम को यार लिटरली ये लोग केस समझते हैं, लेकिन यार असल बात पता है क्या? सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं जो दिन दहाड़े ऐसा काम करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मतलब अब तो आप विक्टिम ब्लेमिंग का भी गेम नहीं खेल सकते। पहले तो ये हमेशा बोला जाता था ना कि भाई लड़की का कसूर है, वो इस टाइम पे इतनी रात को क्या कर रही थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, तो भाई दिन दहाड़े कॉलेज के अंदर, कॉलेज से सेफ जगह स्टूडेंट के लिए कौन सी होती है, और उसने यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था डेफिनेटली। जब दिन दहाड़े कॉलेज के अंदर सेफ जगह पे ये काम हो सकता है, तो वो लॉजिक तो फेल ही होगी ना विक्टिम ब्लेमिंग की, विच शोज कि जो रेप होता है ये एक माइंडसेट होता है, और इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है एक टुच्चे वैन ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड करने से पहले नहीं सोचते? वजह क्या है? वीक जुडिशियल सिस्टम। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है ही नहीं, तो जब जुडिशियल सिस्टम ही आपका इतना थका हुआ है, फारिग है, तो इस तरह के क्राइम तो आपके होंगे ना। अगर मैं इंटरनेशनली टॉप 5 कंट्रीज की बात करूँ जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ जो कि एक इंडेक्स है, वो ये कहता है जो कि क्राइम वगैरह को मेजर करता है, वो ये कहता है कि टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे क्राइम सबसे ज्यादा कम है, दैट इज डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी, या क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है। अगर आप डेनमार्क की बात करते हैं तो 2022 में जो डेनमार्क में क्राइम हुआ था वो 59,000 हुआ था सिर्फ, विच इज नथिंग। उसके अलावा अगर आप नॉर्वे की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे जो क्राइम रेट मेजर होता है ना पर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोग के हिसाब से मेजर होता है कि पर 1000 कितने क्राइम्स हुए, तो अगर मैं नॉर्वे की बात करूँ तो 2022 में पर 1000 सिर्फ 56 के करीब लोगों ने क्राइम किया था। उसके अलावा फिनलैंड की अगर मैं बात करूँ 2022 में तो पर 1000 सिर्फ 86 लोगों ने क्राइम कमिट किया था, विच इज नथिंग। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया ग्लोबल इंडेक्स में 77th नंबर पे आता क्राइम के हिसाब से, विच इज वेरी हाई, और पाकिस्तान तो इंडिया से भी दो हाथ आ गए, मतलब काफी ज्यादा आ गए। तो जाहिर है जब आपका जुडिशियल सिस्टम इतना वीक होगा तो क्राइम तो होंगे ना। जाहिर है जब आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस भर जाते हैं तो आप एक एक कॉकरोच को पकड़ के तो नहीं मारते ना, आप स्प्रे मारते हैं कॉकरोच किलर या जो आपके मोर्टीन शॉर्टीन टाइप स्प्रे होता है वो मारते हैं कि कॉकरोच कॉन्टैक्ट में आएगा खुद ही मर जाएगा। तो उसी तरह अगर जस्टिस का डर होगा तो ये वही स्प्रे है भाई, क्रिमिनल इसमें आएगा और खुद ही मर जाएगा डर से कि भाई अगर मैंने क्राइम किया तो मुझे सजा होगी डेफिनेटली। बट इन एनी केस
माई सीरियस एंड माई हार्ट फेल्ड सिंपथीज फॉर द फैमिली उस लड़की की जिसके साथ ये हुआ है. एंड इफ आई डोंट नो कि अगर वो इफ ही हैज पास्ड अवे और समथिंग, तो माई हार्ट फेल्ड कंडोलेंसेज फॉर द गर्ल एज वेल एज फॉर द फैमिली.